हम रेंटल टेनेंट्स ना जब भी घर नया घर लें या मूव इन करें, उसे स्टाइल करने की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा सोचते रह जाते हैं कि क्या नया ऐड कर दें कि यहाँ पे कुछ नयापन लगे, और ये भी सोचते हैं कि इज़ इट अ स्मार्ट चॉइस कुछ नया लाना, क्योंकि अगर फिर कहीं 2 साल में मूव इन करना है तो फिर इन चीज़ों को लेकर कैसे जाएं। बट आप टेंशन मत लीजिए, आपको बस चाहिए कुछ पुरानी चीज़ें और क्रिएटिविटी, और उससे बना लेनी है अपने घर के लिए नई डेकोर एक्सेसरीज। आज का वीडियो डेडिकेटेड है कि कैसे मैंने पुरानी चीज़ों से इन्हें नया बनाया है और अपने घर को डेकोरेट किया है। सबसे पहले आइडिया है जिसमें मैंने लिया है ये टेराकोटा पॉट। ये पुराना मटका है जिसे गर्मियों में हम पानी रखने के लिए यूज़ करते हैं, पानी भरकर रखते हैं ठंडा पानी पीने के लिए। बस उसे मैंने पहले ब्लू पेंट किया था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तो मैंने उसे वाइट पेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ हम एक मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों स्टाइल मिला के एक ऐसी आर्ट बनाने वाले हैं कि आपको देख कर मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मैंने डेकोपाज नैपकिन लिया है, लेकिन उसे मैं सिर्फ नीचे के पोर्शन में कवर कर रही हूँ, और ऊपर के पोर्शन में हम ट्राई करेंगे लिपन आर्ट लेकिन विदाउट क्ले। कैसे, देखते जाइए। बस आपको चाहिए छोटे छोटे मिरर्स, इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और उसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर देना है और दूर दूर किया है ताकि एक क्लटर्ड ना लगे और नीट एंड क्लीन फिनिश आए। उसके बाद जब मंडाला टूल होता है जिससे डॉट बनाई जाती है, बस उसे लेना है, और आपके पास ये नहीं है तो आप पेन पेंसिल किसी को भी ले सकते हैं डॉट बनाने के लिए, और इस तरीके से जो फेक लिपन आर्ट आप कहें वो तैयार होगी। अब इसे स्टाइल करेंगे कुछ फेक ब्रांचेस के साथ। ये पुरानी सूखी लकड़ी ले ली है जो इजीली कहीं भी बाहर मिल जाएगी आपको, और उस पर स्टिक कर देने हैं फेक फ्लावर्स नहीं तो लीव्स। मैंने पिंक कलर ऐड किया है क्योंकि बहुत प्रिटी लग रहा है और मटके के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा। तो बस फेविकॉल या हॉट ग्लू गन से आप स्टिक कर सकते हैं और तैयार होगी एक शानदार सा DIY जिसे आप किसी भी कॉर्नर में डेकोरेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, मिरर्स किसे अच्छे नहीं लगते हैं। यह किसी भी रूम को ना बहुत ज़्यादा बड़ा और स्टाइलिश बनाते हैं, चाहे आप वॉल पे हैंग कर लीजिए, फ्लोर पर रख लीजिए बड़ा सा मिरर, लेकिन ये सब बहुत महंगे आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड में जो चल रहे हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के MDF बेस्ड मिरर्स जिसे आप खुद कलर कर सकते हैं। मतलब ये कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना है कि जो भी कलर मिल रहा है ले लेते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर लेते हैं। आप अपने रूम के अकॉर्डिंग इसे कलर कर सकते हैं। कलर करना बहुत इजी है, एक्रेलिक कलर लेना है, पहले वाइट बेस दे दीजिए और जो भी कलर अप्लाई करना आप इसे इजीली कलर लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसे हैंग करने के लिए पीछे हुक भी दिया गया है, तो बस आपको नेल्स लगाना है और उसे फिक्स कर देना है। और तो और इसके साथ मिला है इस तरीके की प्लेट जिसे आप इसे फिक्स करना है, और आप इस पर कैंडल रख सकते हैं। जी हाँ, ये मिरर विथ कैंडल होल्डर्स है ना, बढ़िया सा आइडिया। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन किया है, तो बस इसे हैंग कर देते हैं किसी भी कॉर्नर वॉल पर, बहुत अच्छा लगेगा। क्या आपने सोचा है, आप डस्टबिन से भी डेकोर बना सकते हैं। जी हाँ, ये पुराना डस्टबिन है, ये गंदा नहीं है, एक्चुअली इसमें मैंने पेंट रखा था इसलिए ख़राब लग रहा है। आप इससे ना टेबल बना सकते हैं, आप इससे प्लांटर बना सकते हैं, आप इससे स्टोरेज बॉक्स भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप इसे नया बना सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए, कोई भी पुराना कपड़ा। यहाँ पे मैंने इक्कत प्रिंट वाला फैब्रिक लिया है जिसे मैंने अपनी कुर्ती बनवाई थी, तो बचा हुआ फैब्रिक इस पर स्टिक कर दिया है मॉडपॉज की हेल्प से। आप फेविकॉल, हॉट ग्लू गन किसी चीज़ से भी स्टिक कर सकते हैं, लेकिन जो फेविकॉल या मॉडपॉज है ना उसे इवनली स्टिक हो जाता है। और बस बचे हुए कपड़े को कट करके इस तरीके से मैंने अपना डस्टबिन तैयार कर लिया है, जो बिल्कुल भी डस्टबिन नहीं लग रहा है। अगेन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मैं कुछ मिरर्स ऐड करूँगी इसे थोड़ा और भी स्टाइलिश बनाने के लिए। तो इस तरीके के मिरर्स मैंने स्टिक कर दिए हैं फेविकॉल की हेल्प से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब क्या करना है, आप इसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लांटर, लेकिन अब इसे जैसे मैंने कहा कि टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कोई पुराना सा कार्डबोर्ड। मैंने यहाँ सन बोर्ड का इस्तेमाल किया, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसे सर्कुलर शेप में कट करके अगेन मॉडपॉज लगा के वही फैब्रिक लगा देंगे ताकि हम टेबल का टॉप बना सकें। तो बस तैयार है हमारा टेबल टॉप भी, और इसे आप किसी भी कॉर्नर में स्टाइल कर सकते हैं एंड टेबल की तरह उल्टा रखकर। आप इसे परमानेंटली स्टिक भी कर सकते हैं, मैंने इसे ऐसे ही रख दिया है, और कोई भी वेस्ट रख सकते हैं।
लास्ट आइडिया बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग है, क्यों? क्योंकि मैंने एक तो पुरानी चीज़ इस्तेमाल किया है, वेस्ट यूज़ किया है, दिस इज़ अ कार्डबोर्ड जिससे हम बेस देंगे, और उसके बाद आपको चाहिए जूट रोप, मैंने ये मूंज की रस्सी इस्तेमाल की, मेरे पास बहुत सारी अवेलेबल है तो इसका ही इस्तेमाल किया, काफ़ी थिक क्वालिटी की रस्सी होती है, आप जूट रोप ले सकते हैं, हॉट ग्लू गन से इस तरीके से स्टिक कर देना है, तो दो चार बार इसकी लेयर लगा लगा के इस तरीके से मैंने इसे इतना ब्रॉड बना लिया है। बीच का पोर्शन हम छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ मैं यूज़ करूँगी कुछ ऐसे प्रिंट्स जो बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इन्हें मैंने ऑलरेडी यूज़ करके दिखा चुका है कि आप इसे वॉल पे कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, तो मॉड पॉज की हेल्प से बस हम इस तरीके से स्टिक कर देंगे और इनके ऊपर भी मॉड पॉज लगा देंगे ताकि इसे क्लीन करना ईजी रहे, ड्राई क्लॉथ से आप इसे क्लीन कर सकते हैं और आप इसे टेबल में एज अ ट्रे यूज़ कर सकते हैं स्टाइल करने के लिए, नहीं तो आप इसे वॉल डेकोर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा और तड़का लगाया है, पॉम पॉम लगा दिए हैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से और ये बहुत ही शानदार बन के निकला है, वॉल डेकोर के फॉर्म में तो बेस्ट ऑप्शन है। तो बस आप देख लीजिए कि मैंने इसे टेबल में किस तरीके से स्टाइल किया है। तो देखा आपने घर को डेकोरेट करना कितना इजी है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।